नमस्कार, आई एम प्रकाश एस्ट्रोलॉजर. मैं हूं प्रकाश एस्ट्रोलॉजर. पेश करूंगा आपके लिए मंथली फोरकास्ट दिसंबर 2019 का. इस मंथली फोरकास्ट का बेस है भारतीय ज्योतिष शास्त्र. इस मंथली फोरकास्ट का बेस है आपका मून साइन, आपकी चंद्र राशि. और इस मंथली फोरकास्ट को वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी या सन साइन के मुताबिक ना देखा जाए. इस मंथली फोरकास्ट को फॉलो किया जाए अपनी चंद्र राशि के मुताबिक, जो आप जान सकते हैं अपने बर्थ चार्ट से, अपनी जन्म कुंडली से. मंथली फोरकास्ट आप सभी के लिए दिसंबर 2019 के लिए, और बेस है आपकी चंद्र राशि, बेस है आपका मून साइन, आप सबके लिए. कैंसेरियन मंथली कंक्लूजन, मंथ दिसंबर का कंक्लूजन पूरे मंथ का. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हेल्थ. ये पूरा मंथ हेल्थ के लिए साइकोलॉजिकली अपना ध्यान रखें. फियर बहुत हो सकता है, रातों की नींद थोड़ी बहुत डिस्टॉर्टेड हो सकती है. दिमागी स्ट्रेस की वजह से हेल्थ इश्यू होगा, उसका असर स्ट्रेस का पेट पे, डाइजेस्टिव सिस्टम पे बहुत होगा. गैसेस इम्बैलेंसेस उसकी वजह से बिगड़ेंगे, और ब्लड शुगर लेवल फ्लक्चुएट कर सकता है. पैरों का बहुत ध्यान रखें, लेग्स का बहुत ध्यान रखें. ब्लैडर्स को लेके इशू हो डॉक्टर से चेकअप करवाएं. स्किन को लेके प्रॉब्लम को हो जाए डॉक्टर से चेकअप करवाना होगा. लेकिन स्ट्रेस कम रखें, नेगेटिव एटीट्यूड ना रखें, नेगेटिव थिंकिंग ना रखें. फियर, डर, उसकी वजह से परेशानी हो सकती है. एजुकेशन को लेके बात करेंगे. कैंसेरियन 2019 दिसंबर, ये पूरा मंथ अगर आपका स्टडी का फील्ड साइंस है, आर्ट्स है, बहुत अच्छा रहेगा. अगर आप कुछ रिसर्च कर रहे हैं किसी स्पेशलाइज सब्जेक्ट के ऊपर, रिजल्ट बहुत अच्छे होंगे इस पूरे मंथ के अंदर. आप डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें, बस डिसिप्लिन जितना स्ट्रांग होगा उतनी पढ़ाई अच्छी होगी. जितना डिसिप्लिन आपका वीक होगा, डिस्ट्रैक्शन जितनी ज़्यादा होगी उतनी पढ़ाई नहीं होगी. अगर आप एंटरटेन करते जाएंगे तो पढ़ाई में मन नहीं लगेगा. रोमांस रिलेशनशिप पूरे मंथ दिसंबर 2019 के लिए, रोमांस और रिलेशनशिप को लेके बात करेंगे. ये पूरा जो मंथ है ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है. पर्सनल वन टू वन रिलेशनशिप आपके डेवलप होंगे, और रिलेशनशिप के मामले में बड़े आप कंपिटिटिव भी हैं, और बहुत ज़्यादा मेहनत करके आप अपने आप को कामयाब करना चाहते हैं. लेकिन जो रिलेशनशिप है ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक एरिया भी होगा. रिलेशनशिप के अंदर आपको रिस्पेक्ट अपनी बरकरार रखनी होगी. और ये भी मैं कहना चाहूँगा, पावर स्ट्रगल में ना आए, पावर स्ट्रगल नहीं चाहिए. और इस टाइम के दौरान मैं ये भी ओपनली कहूँगा, कई बार आप एज ए लवर आप बहुत यूनिक होंगे, लेकिन एज ए पार्टनर और कंपेनियन बहुत मिजरेबल होंगे. हर टाइम रोना पीटना बंद करें, कंप्लेन करना बंद करें. बॉन्ड आपको डेवलप करना है, रिलेशनशिप आपको डेवलप करना है, उस पर एफर्ट लगानी पड़ेगी. कई बार आपको केयर, अफेक्शन, लव, पैशन, फ्रेंडशिप, लिसनिंग आपको देनी पड़ेगी. जो आप लेना चाहते हैं ना अपने पार्टनर से, वो आपको देना पड़ेगा. मैट्रिमोनियल आप हैप्पीनेस कई बार जेलसी की वजह से या सेल्फिशनेस की वजह से ख़त्म हो जाएंगी, और वो नहीं होनी चाहिए. रिलेशनशिप में कन्फ्यूज़न ना रखें, कम्युनिकेशन दुरुस्त रखें. रिलेशनशिप में तब भी आपकी इशू बनेंगे जब आपकी एक्सपेक्टेशन तो बहुत हो लेकिन आप कुछ कंट्रीब्यूट ही नहीं करना चाहते. एक्सपेक्टेशन बड़ी है लेकिन देना कुछ नहीं चाहते, फिर रिलेशनशिप के अंदर मैट्रिमोनियल कॉम्प्लिकेशन बढ़ेंगी, उसकी वजह से कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन चलती रहेंगी. लेकिन थोड़ा तमीज से पेश आए. जॉब प्रोफेशन करियर को लेके बात करेंगे. ये पूरा मंथ दिसंबर 2019 का. मैं ओपनली ये कहूँगा कि हम एम्बिशियस तो बहुत है, और प्रोफेशन के अंदर बहुत एफर्ट भी डालेंगे, नाम भी पैदा करेंगे. आप शायद लोगों को टीच भी करेंगे, एजुकेट भी करेंगे. आपकी स्ट्रेटजीज कई बार बहुत मुश्किल होंगी लेकिन काम करेंगी. प्रोफेशन के अंदर जो आपकी स्किल सेट है वो आपके लिए सक्सेस लेके आएगी. आप खुद अपना बॉस बनना चाहते हैं, एज ए इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर आप बहुत कामयाब होंगे, और तरक्की आपकी होगी. अच्छे असिस्टेंट आप बनेंगे, अच्छे रिलेशनशिप के अंदर आपको एफर्ट बहुत डालनी होगी, और कमांड रिस्पेक्ट आपको बरकरार रखनी होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी होगी. रिलेशनशिप के आपको प्रोफेशन के अंदर जितना आप एफर्ट डालेंगे उतनी तरक्की आपकी होगी. साइनर्जी आपको प्रोफेशन में क्रिएट करनी है, लेकिन अच्छे रिलेशनशिप आपको बरकरार रखने अपने प्रोफेशन के अंदर, ताकि रिलेशनशिप प्रोफेशन के अंदर तरक्की हो. ये पूरे प्रोफेशन के अंदर जितना आपका फोकस होगा, जितनी डिस्ट्रैक्शन कम होगी, जितना आप हार्डवर्क और टाइम लगाएंगे उतनी तरक्की होगी, इसमें दो राय नहीं है.
लेकिन अगर आपका प्रोफेशन का फील्ड टेक्नोलॉजी है या केमिकल्स है तो तरक्की बहुत है, बहुत तरक्की है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि लोगों की सपोर्ट आपको मिलेगी, आपका नाम भी होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी का बर्डन भी आप पे बहुत होगा। ये पूरा मंथ फैमिली रिलेशनशिप के ऊपर ध्यान देना होगा और बहुत सारे प्रॉमिसिंग टास्क आपके कंप्लीट होंगे, नया प्रोजेक्ट आपके हाथ आएगा, किसी नए आइडिया को आप डेवलप करेंगे, बहुत सारे ऑफिशियल ऑब्स्टेकल से आप निकल आएंगे, कॉम्प्लिकेशंस से आप निकल आएंगे, एक्सीडेंट से बच के रहें, विचार करके चलें। आपका इस वीकली हॉरोस्कोप को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। क्या आप जानना चाहते हैं कि इस आने वाले वीक में हालात कैसे होंगे, सिचुएशंस कैसी होंगी? अगर आप किसी खास मीटिंग पे जाना चाहते हैं, मूड कैसा होगा, आपका व्यवहार कैसा होगा, लोगों के एटीट्यूड आपके प्रति कैसे होंगे, आपकी सोच कैसी होगी, एनवायरनमेंट कैसा होगा, क्या आप जानना चाहते हैं कि इस आने वाले वीक के अंदर क्या मेजर इवेंट्स हो सकते हैं आपके साथ? क्या आप जानना चाहते हैं कि किस तरह की एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस आप लेके अपने डिसीजन, जो चॉइसेस आप बनाना चाहते हैं इस हफ्ते, वो अच्छे बना पाएंगे? क्या आप जानना चाहते हैं कि इस आने वाले वीक के अंदर क्या आपको ज्योतिष के मुताबिक क्या आपको कोई उपाय करना चाहिए जो एक ऑकवर्ड सिचुएशन से निकलने के लिए, जो मुश्किलें आपके सामने खड़ी हैं उनसे उभरने के लिए, चाहे वो आपका टाइम वेस्ट कर रही हो? अगर आपका इन सवालों का जवाब आपका हाँ के अंदर है तो आप किस इंतजार में करें? इस तुरंत आप अपना वीकली हॉरोस्कोप रिपोर्ट लीजिए, वीडियो में भी है, रिटर्न में भी, जिसमें पूरी गाइडेंस आपके लिए दी गई है। हमारी वेबसाइट prakashastrologer.com को विजिट करें और वीडियो और रिटर्न रिपोर्ट हासिल करें। मैं चाहता हूं कि आप सर्व संपन्न हो, खुशहाल हो, तंदुरुस्त हो और हारमोनियस जिंदगी में जी रहे हो।